हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज दिनांक 25 फरवरी 2021 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम यानी कि टाइम टेबल जारी कर दिया है। आज तक कोरोना की वजह से जो है परीक्षाओं पर आशंकाओं के बादल छाए हुए थे कि पता नहीं परीक्षाएं कब होगी, किस महीने में होगी। जैसा कि हिंट तो पहले से ऑलरेडी मिल चुका था कि भाई मई में अपनी परीक्षाएं शुरू हो जाएगी, लेकिन मई में कब से होगी, कब तक चलेगी, ये सारे प्रश्न हमारे दिमाग में चल रहे थे। तो आज उसका जवाब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने टाइम टेबल जारी करके हम सभी को दे दिया है और आज अपन इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का हर अपडेट मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, फिर चाहे वो पाठ्यक्रम के कम होने का हो या मॉडल पेपर जो है जारी किए थे उसके बारे में हो, और आज जो है टाइम टेबल के बारे में अपडेट जो है आपके सामने है। तो देखिए, सबसे पहले आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, और इसमें जो है माध्यमिक और माध्यमिक व्यवसायी एवं प्रवेशिका वर्ष 2021 में परीक्षा कार्यक्रम दे दिया है। परीक्षा जो है पहले कक्षा 10 की बात कर रहे हैं, ये माध्यमिक की कक्षा 10 परीक्षा का समय जो है प्रातः 8:30 से लेके 11:45 तक रहने वाला है। तो ये परीक्षा का आपका समय रहेगा। इसके बाद जैसा कि आप सभी को बताया कि बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो गुरुवार से ही शुरू हो रही है और इस बार भी गुरुवार से ही शुरू हो रही है। गुरु मतलब शुरू, यानी कि गुरुवार शुभ दिन माना जाता है। यार इसी दिन 6 मई से पहला पेपर होगा अंग्रेजी का। कक्षा 10 के लिए 6 मई को पहला पेपर अंग्रेजी का है। इसके बाद दूसरा पेपर है आपका 11 मई को जो कि हिंदी का है। इसके बाद तीसरा पेपर आपका होगा 15 मई को यानी कि गणित का है। इसके बाद 19 मई को होगा आपका चौथा पेपर जो कि है विज्ञान का। फिर देखो 22 मई को होगा सामाजिक का, और इसके बाद 25 मई को तृतीय भाषा के रूप में विकल्प में आपने जिस भी भाषा का चुनाव किया है वो संस्कृत है या उर्दू है या पंजाबी है गुजराती है, तो यहाँ ज्यादातर जो है संस्कृत ही लेते हैं अपने, तो संस्कृत जिसकी दूसरी तीसरी जो भी है वो। और इसके बाद 27 मई गुरुवार को जो है व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित जो है उनके लिए परीक्षाएं होगी, जिसमें ऑटोमेटिक है, सौंदर्य स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी समर्पित सेवाएं से संबंधित जो व्यावसायिक कोर्सेज है उनकी परीक्षाएं 27 मई 2021 को आयोजित की जाएगी। तो इसके अनुसार यही है कि अपनी परीक्षाएं जो है वो 6 मई से शुरू होगी कक्षा 10 की परीक्षाएं, और 27 मई को अंतिम पेपर है। जिसकी व्यावसायिक नहीं है उनके लिए 25 मई को अंतिम पेपर है, और उसमें कुछ बातें ध्यान रखनी होगी है कि भाई सूचना इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होगा तो वो भी न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको सूचनाएं उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके बाद कुछ चीजें जो है यहाँ पे देखो, 9वां और 10वां पॉइंट पढ़ लेते हैं, थोड़े ये इम्पोर्टेंट है कि प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नंबर लिखना है। पेपर के ऊपर आपको रोल नंबर लिखना है, और प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात उत्तर पुस्तिका के अंत में समाप्त लिख कर रिक्त पृष्ठों में तिरछी लाइन से काट देना है। यानी जहां भी आपकी जो नोटबुक मिलेगी उस नोटबुक में जहां आपके क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, पेपर पूरा हो जाता है, तो वहां पर समाप्त लिख दो, और बाकी वाले पेज जो है उन पे जो खाली बच रहे हैं उन पे जो है लाइन से काट के तिरछी लाइनों से काट देना है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि भाई आपका पेपर कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से ये तो आपके 10वीं का जो पाठ्यक्रम था, समय सारणी जो है ये आपके सामने है कि भाई 6 मई को आपका पहला पेपर होगा और 25 मई को अंतिम पेपर होगा। परीक्षा का समय जो है वो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, 8:30 से लेके 11:45 तक रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आपको दूसरे किसी माध्यम से भी मिल गया होगा। अब अपन बात कर रहे हैं कक्षा 12 की माध्यमिक शिक्षा की। तो देखो, कक्षा 12 की परीक्षाएं भी जो है 6 मई से ही शुरू हो रही है, क्योंकि बोर्ड का नियम है
जो लगभग हर साल ऐसा ही होता है कि गुरुवार से शुरू की जाती है। तो ये उच्च माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक में व्यवसायी या वरिष्ठ उपाध्याय जो संस्कृत स्कूल है उनके लिए। परीक्षा का वर्ष 2021 है और सैद्धांतिक ये थ्योरी के है, प्रैक्टिकल की डेट्स अलग से आएगी, थ्योरी के जो टाइम टेबल है वो है, ठीक है। इसका भी समय जो है 8:30 से लेके 11:45 तक ही रहने वाला है, यानी एक ही पारी में दोनों एग्जाम होंगे। 10वीं और 12वीं जो दोनों ही पेपर जो है एक ही पारी में आयोजित किए जाएंगे। पहले जो है अलग अलग पारी में होते थे, इस बार एक ही पारी में होंगे। देखिए परीक्षा गुरुवार को जो है पर्यावरण विज्ञान या दर्शन शास्त्र ऑप्शन जिसने ले रखा है उसकी होगी। फिर बाद में 7 मई गुरुवार को जो है अंग्रेजी अनिवार्य कंपलसरी इंग्लिश जो है वो पेपर होगा। 8 मई को हिंदी अनिवार्य का पेपर होगा। हिंदी और इंग्लिश अनिवार्य ये किसी भी स्ट्रीम से हो, आप चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, उसमें आपको कंपलसरी देना ही है। तो 6 और 7 का पेपर। तो इसके बाद 10 मई को देखो इतिहास, आर्ट्स वालों का इतिहास है, कॉमर्स वालों के व्यवसाय अध्ययन है, और साइंस एग्रीकल्चर वालों के लिए कृषि रसायन विज्ञान है, और साइंस के लिए केमिस्ट्री का पेपर होगा। इसी बाद में देखो 11 मई को अगर साइकोलॉजी मनोविज्ञान किसी ने लिया है तो वो है। 12 मई को सूचना एवं प्रौद्योगिकी आईटी से संबंधित पेपर होगा। इसके बाद 13 मई को जो है भूगोल, लेखा शास्त्र या भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पेपर होगा। 14 को आपकी छुट्टी रहेगी। 15 को जो है ये व्यावसायिक से संबंधित जो कोर्सेज है उनमें आपके ये रहेंगे, जैसे कि देखिए आपको ऑटोमोबाइल, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य, तो ये व्यावसायिक कोर्सेज सारे जो है। इसके अलावा कुछ दर्शन से संबंधित जो ले रखे हैं पाठ्यक्रम वो सारे इसमें होंगे। 16 मई को आपका अवकाश है। 17 मई को मैथ वालों का गणित का पेपर होगा। इसके बाद 18 मई को अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, उसके बाद शीघ्र हिंदी, स्टैंडर्ड जो है इंग्लिश। इसके बाद देखो कृषि जीव विज्ञान एग्रीकल्चर वालों के लिए बायोलॉजी, और बायो वालों के लिए बायोलॉजी का पेपर होगा 18 मई को। 19 मई को फिजिकल एजुकेशन अगर किसी का है तो होगा। 20 को राजनीति विज्ञान, भू विज्ञान या कृषि विज्ञान जो है उनका पेपर होगा। इसके बाद देखो 21 मई यानी शुक्रवार को जो है हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, फारसी, प्राकृत या टंकण लिपि, ये आपने अगर ले रखा है तो ये जो है होगा। इसके बाद देखो 22 मई को कंठ संगीत, नृत्य कथा, वाद्य संगीत, सितार, सरोद, वायलिन, इनसे संबंधित पेपर आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद देखिए 23 मई को आपके परीक्षा का अंतराल रहेगा, रविवार है। 24 मई को चित्रकला, 25 मई को समाजशास्त्र, 26 मई को संस्कृत साहित्य, और इसके बाद देखिए 26 मई को संस्कृत साहित्य संस्कृत वार्ड में। इसके बाद 27 मई को अंग्रेजी साहित्य या टंकण लिपि हिंदी का। 28 मई को गृह विज्ञान यानी होम साइंस, और 29 मई को लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनका जो है पेपर आयोजित किया जाएगा। तो 6 मई से लेकर और 29 मई तक आपकी परीक्षाएं चलेगी। इसमें भी यही है कि प्रश्न पत्र पर आपको रोल नंबर अवश्य लिखने हैं, और जहां पर आपके उत्तर जो है समाप्त हो जाते हैं नोटबुक में और फिर कॉपी के अंदर कुछ रिक्त पेज बचते हैं, तो जहां समाप्त हो रहे हैं वहां समाप्त लिख कर बाकी के खाली पेज में आपको तिरछी लाइनें खींच देनी है, उन पेज को काट देना है। तो इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपके लिए जो है समय सारणी जारी कर दी है, टाइम टेबल जारी कर दिया है, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और आशंकाओं के बादल छा रहे थे कि भी कोरोना की वजह से पता नहीं पेपर हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, कब होंगे, किस तरीके से होगा। तो आज सारी आशंकाओं को विराम देते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने ये समय सारणी जारी कर दी है, जो कि कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और निरंतर कोशिश कर रहे हैं। अब इस टाइम टेबल के हिसाब से जितना सिलेबस आपका 40% कम हो गया, 60% सिलेबस के हिसाब से पेपर बनेंगे। मॉडल पेपर्स मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार परीक्षा का पैटर्न भी बदला है, तो अगर वो नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज देख सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि ये जो पाठ्यक्रम से संबंधित जो जानकारी थी ये आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। और अब जो है जी जान से जुट जाएं, आपके आपके परिवार के जो सपने हैं उन सपनों को साकार करने का समय आ गया है। क्योंकि अभी तक तो आप भी ये सोच रहे थे कि पता नहीं पेपर होगा या नहीं होगा, क्या है पढ़ लेंगे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब समय आपके पास बहुत कम बचा है, फरवरी का महीना ऑलरेडी बीत चुका है, 25 आज हो गई, तो बाकी कुछ बचा नहीं। मार्च और अप्रैल दो महीने हैं, दो महीने में जी जान लगा कि जो भी सिलेबस है उसको पूरा कर लो। इस बार का पाठ्यक्रम बहुत ही संक्षिप्त कर दिया गया है और अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है। अगले साल से आपका पाठ्यक्रम भी बदल जाएगा, एनसीईआरटी का सिलेबस आ जाएगा, तो बहुत मुश्किल होने वाली है। इसीलिए जी जान से जुट जाओ, जो जितने परसेंटेज बनाना चाह रहे हो, जो मेरिट बनाना चाह रहे हो, आपके जो सपने हैं उन सपनों के पीछे लग जाओ। कई जगह जो है हो सकता है आपको अपने इंटरेस्ट और सक्सेस के बीच में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े, क्योंकि अपना इंटरेस्ट तो जो है वहां होता है जो अपन मन से काम करना चाहें। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जहां आपका इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन सफलता पानी है तो वहां आपको इंटरेस्ट के साथ क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर अभी अगर आपने इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करके सफलता को अगर प्राथमिकता दी तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। एक बार सफल होने के बाद अपने इंटरेस्ट को कभी भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। रुचि का काम तो जिंदगी भर करना ही है, तो सफल होना जरूरी है उसके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत ही जानकारी वाला है। और परीक्षा के कार्यक्रम से संबंधित अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का कोई अपडेट होगा तो वो भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ आप भी न्यूज़पेपर वगैरह में देखते रहिए कि हो सकता है अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आ जाए तो वो, जिसमें देखो इसमें पहला नोट यही दे रखा है नीचे कि भी उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जाएगी। तो अभी तो आप तो ये मान के चलो ये तय है और इसी के अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जानकारी मिली होगी। इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।